हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दक्षत फैमिली व्लॉग्स इट्स मी मिस्टी तो प्रेजेंट टाइम में मैं ट्वेल्व इयर्स ओल्ड गर्ल हूँ मैं अपने फर्स्ट बर्थडे से अपने ट्वेल्थ बर्थडे तक की सारी पिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि हर बर्थडे का अलग अलग व्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं था आप इन पिक्स के थ्रू देखेंगे कि मैंने अपने सभी बर्थडेस में बहुत ही इन्जॉय किया है वैसे तो मेरे हर बर्थडे में मेरे मम्मा पापा मेरे साथ होते हैं पर कभी कभी मेरे पापा मेरे साथ मेरे बर्थडे में नहीं रहते हैं बिकॉज़ उनकी जॉब ही ऐसी है अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे पापा कौन सी जॉब करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा मेरे पापा की जॉब ही ऐसी है कि उन्हें आउट ऑफ स्टेशन रहना ही पड़ता है कुछ जगहों पे तो मैं अपने पापा के साथ रही हूँ बट आजकल कुछ रीजन्स की वजह से मैं अपने होम टाउन में रहती हूँ और पापा अपनी जॉब पर मेरी ये लाइफ स्टोरी है तो बहुत छोटी सी पर है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ बारह ही साल की हूँ ये जो मेरे बर्थडे की पिक्स हैं इसमें मेरे कुछ बर्थडे सेलिब्रेशंस नहीं हैं घर में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया था एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी अगर आपको मेरी वो सिचुएशन जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा पापा के साथ जब मैं बाहर रहती थी तो मैं बहुत सारी जगहों का टूर कर चुकी हूँ उसमें से कुछ जगहों का नाम है राजस्थान उड़ीसा पंजाब सीतापुर लखनऊ इसमें से कुछ बर्थडे मैंने अपनी मम्मा के साथ सेलिब्रेट किए और कुछ मम्मा पापा दोनों के साथ और कुछ अपनी फैमिली के साथ और कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके जब मैं पापा के साथ रहती थी तो मेरा फ्रेंड सर्कल अलग था जब पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो मेरा फ्रेंड सर्कल अलग हो गया तो मेरे जो पहले वाले फ्रेंड्स थे उनकी याद मुझे आज भी आती है अगर वो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो देख रहे हों तो प्लीज़ कमेंट में क्या मेरे छोटे पर के दोस्तों मैं आपको याद भी हूँ या मुझे भूल गए मैं एक बात और बताना चाहूँगी जब मैं बाहर रहती थी तो मेरे स्कूल भी बहुत बार चेंज हुए पापा की जॉब की वजह से मैंने इतनी सारी जगह स्टडी की पर हर स्कूल का अपना एजुकेशन का मेथड अलग ही था कुछ स्कूल्स का एजुकेशन मेथड बिल्कुल ही अलग था और अच्छा था जैसे कि राजस्थान और पंजाब बट मैं आप लोगों को बताऊं उड़ीसा का एजुकेशन मेथड बिल्कुल ही अलग था मुझे उड़िया लैंग्वेज ना आते भी वहाँ के स्कूलों में उड़िया लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट लेना कंपलसरी था ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ कम समय के ले गई थी तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अपने व्लॉग से आपके साथ अपनी छोटी छोटी बातें शेयर की हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताएँ कि आप मेरे बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं आपको एक बात और बताऊं? मेरी कुछ मैम लाइक गीतांजली मैम तमन्ना मैम साक्षी मैम एंड प्रदीप सर इन टीचर्स ने मेरी हर तरीके से हेल्प की ये लोग नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं थैंक यू सर एंड मैम तो ये है मेरी ऑटोबायोग्राफी छोटी सी मेरा परिवार बहुत बड़ा है दादी के घर का परिवार भी बहुत बड़ा है और नानी के घर का परिवार भी बहुत बड़ा है मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी बट धीरे धीरे तो आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बच्चों की समर वेकेशन चल रही हैं तो मैं भी कहीं घूमने जाऊंगी तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए तो अभी तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि नानी के घर जाएं छुट्टी बनाने कि दादी के घर जाएं छुट्टी बनाने जैसे ही कुछ क्लियर होगा वैसे ही आपको न्यू व्लॉग में देखने को मिलेगा आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू बाय बाय लव यू ऑल